बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। बफर स्टॉक यह सरकार द्वारा अधिपत्य अनाज का भंडार है। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल का अधिशेष उत्पादन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा भंडारित होता है। भारतीय खाद्य निगम किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर उस राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। बफर स्टॉक का मतलब आप समझ गए होंगे। और एक बार देखते हैं इसको। यह सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल का अधिशेष उत्पादन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा भंडारित होता है। भारतीय खाद्य निगम किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है जहां अधिशेष उत्पादन होता है, यानी अत्यधिक उत्पादन होता है, वहाँ से सरकार चावल और गेहूँ खरीदती है और उसको स्टॉक में रखता है।